कृष्ण और राम ये दो आदर्श व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं इन्हें लोकनायक के रूप में लोक रक्षक के रूप में लोक रंजक आराध्य के रूप में अनेक रूपों में चित्रित किया गया उनका वर्णन किया गया कृष्ण और राम न केवल मध्यकालीन साहित्य में अपितु आधुनिक साहित्य में बल्कि यह भी कह सकते हैं कि अद्यतन साहित्य लेखन की परंपरा में विद्यमान है यदि हम अतीत की ओर उन्मुख हों तो वेदों में उपनिषदों में पुराणों में और तमाम तरह की पुरा कथाओं में हम देख सकते हैं कि कृष्ण किसी न किसी रूप में वर्णित हैं चित्रित हैं तमाम तरह के रूप स्वरूपों को कृष्ण के हम देख सकते हैं वो लोक रक्षक बनकर भी ब्रज प्रदेश के रहने वालों का अखिल भारतीय और वैश्विक स्तर पर अपने भक्तों का कल्याण करने वाले उद्धार करने वाले उनकी रक्षा करने वाले एक सर्वशक्तिमान आराध्य के और देव के रूप में उपस्थित होते हैं वो लीला पुरुषोत्तम भी हैं अनेक प्रकार की लीलाओं से हम कृष्ण को जानते हैं कृष्ण कला संपन्न अभिरुचि इसके भी प्रतीक हैं चाहे संगीत हो नृत्य हो या तमाम तरह की गोप गोपियों के साथ की गई लीलाएं हों उन सब के साथ जोड़कर भी हम कृष्ण को देखते हैं कृष्ण केवल हिंदी में ही नहीं केवल संस्कृत साहित्य में ही नहीं अपितु भारतीय भाषाओं में भी भारतीय भाषाओं में उपस्थित साहित्य में भी हमें वर्णित दिखाई देते हैं हम बंगला का बांग्ला भाषा में लिखित साहित्य देखें मराठी में देखें गुजराती में देखें तमिल तेलुगू मलयालम कन्नड़ उड़िया आदि भाषाओं में देखें हम राज्यों के आधार पर भारत में देखें तो पंजाबी भाषा में भी राजस्थानी में भी तमाम इन भाषाओं में कृष्ण कहीं प्रबंध काव्य के रूप में कहीं मुक्त काव्य के रूप में कहीं गद्यात्मक विभिन्न विधाओं के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं कि वो अपने नायकत्व के साथ वहाँ उपस्थित होते हैं संपूर्ण भारतीय साहित्य और संपूर्ण भारतीय संस्कृति इसमें कृष्ण को हम एक बहुआयामी देव या व्यक्तित्व के रूप में शीर्षस्थ पद पर आसीन पाते हैं वास्तव में वो मल्टी डायमेंशनल लॉर्ड के रूप में उपस्थित होते हैं भारत में दो श्रेष्ठ लोकनायकों पर दृष्टि जाती है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो चौदह कलाओं से संपन्न है और मनमोहक कृष्ण जो सोलह कलाओं से संपन्न है ऐसे विलक्षण ऐसे अनुपम व्यक्तित्व के पर्याय के रूप में हम कृष्ण को देखते हैं अखिल भारतीय स्तर और सकल वैश्विक परिदृश्य में अचला अच्युत अद्भुत आदिदेव आदित्य अजन्मा अजया अक्षरा अमृत अपराजित अत्युक्ता बाल गोपाल बलि चतुर्भुज दानवेंद्रो दयालु दयानिधि देवादिदेव देव देवकीनंदन देवेश धर्माध्यक्ष द्वारकाधीश गोपाल गोपाल प्रिय गोविंदा ज्ञानेश्वर हरि गर्भा ऋषिकेश जगद्गुरु जगदीश जगन्नाथ जनार्दन जयंत ज्योतिरादित्य कमल कमल नयन कामसांतक, कंजलोचन केशव लक्ष्मीकांत लोकाध्यक्ष मदन मुरली मुरलीधर मुरली मनोहर नंदगोपाल नारायण निरंजन निर्गुण पद्मास्ता पद्मनाभ पर ब्राह्मण परमात्मा परम पुरुष पार्थसारथी प्रजापति पुण्य पुरुषोत्तम रविलोचन सहस्राक्षकाश पार्थसारथी प्रजापति पुण्य पुरुषोत्तम रविलोचन सहस्राकाश सहस्रपात साक्षी सनातन सर्वजन सर्वपालक सर्वेश्वर सत्यवचन सत्यंत शंत श्रेष्ठ श्रीकांत श्याम श्याम सुंदर सुदर्शन सुमेध सुरेशम स्वर्गपति त्रिविक्रमा उपेंद्र बैकुंठनाथ वर्धमान वासुदेव विष्णु विश्वादिष्णव विश्वकर्मा विश्वमूर्ति विश्वरूपा विश्व आत्मा वृष पर्व यद्वेंद्र योगी योगा योगनाम्पत्ति न जाने ऐसे अनेक नाम जो हम भारतीय समाज में अपितु तो विश्व में अपने घरों में बच्चों के प्रिय पात्रों के मित्रों के नामों पर जब दृष्टि डालते हैं तो कृष्ण के इन 108 नामों पर आधृत नाम हमें आज भी देखने सुनने को मिलते हैं तमाम कृष्ण की जीवन लीलाएं जीवन क्रियाएं उनको आधार बनाकर भी उन्हें संबोधित किया जाता रहा है यानी उनके नामों का आधार उनकी लीलाएं उनकी क्रियाएं उनकी क्रीड़ाएं भी रही हैं जैसे कृष्ण को माखनचोर कहा जाता है तो हम जानते हैं कि बाल्यावस्था में बाल्यकाल में कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था और वो गोप गोपियों के साथ माखन चोरी की तमाम लीलाओं के साथ पूरे कृष्ण भक्ति साहित्य में उपस्थित तो होते हैं सूरदास नंददास परमानंददास अष्टछाप के कवि रसखान को देख लें मीरा को देख लें मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो ये बात कृष्ण अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं और लीलाओं के साथ माखन चोर बनकर उपस्थित होते हैं वो रास रचैया भी हैं गोपियों के साथ बाल गोपालों के साथ तमाम तरह की लीलाएं क्रीडाएं वो करते हैं और रास भी रचाते हैं मुरली बजैया मुरली का वादन उनका प्रिय वाद्य यंत्र है और बथरस लाल चलाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे भवन हसे दैन कहे नट जाए बांसुरी के बिना कृष्ण अपने को अधूरा महसूस करते हैं इसलिए मुरली बजैया के रूप में उन्हें देखा जाता है कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर यदि हम दृष्टि डालें विचार करें तो एक और विशेषता हमें उपलब्ध होती है कि जिस कृष्ण को हम माखन चोर रास रचैया मुरली बजैया इत्यादि संबोधनों से जानते पहचानते हैं देखते हैं संबोधित करते हैं वो आश्चर्यजनक रूप में माखन में कृष्ण की रुचि आजीवन नहीं होती मात्र प्रारंभिक बाल्यकाल के आठ दस वर्षों की अवस्था तक रहती है और गोपियों की संगत सोलह वर्ष की अवस्था तक रहती है और कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी ने उन्हें उनके जीवन के उद्देश्य का बोध भी इस अवस्था तक आते आते करा दिया था तो इन लीलाओं की एक उम्र एक अवस्था भी है कौन सी लीला कृष्ण किस अवस्था में किस उम्र में करते हैं इसका भी बड़ा रोचक रोमांचक वर्णन हमें कृष्ण भक्ति साहित्य में मिलता है ज्ञान बोध के बाद कृष्ण ने सर्वप्रथम वृंदावन छोड़ा और फिर मथुरा जाकर वो कभी लौटे नहीं मथुरा जाने के बाद वो अधिपति के रूप में एक राजा के रूप में एक शासक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं कंस से उसके अनाचार अत्याचारों से संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं फिर उसका संघार भी करते हैं इसलिए कृष्ण को यदि हम समग्रता के साथ संपूर्णता के साथ देखें तो 16 वर्ष की अवस्था में कृष्ण वृंदावन से प्रस्थान करते हैं और अपनी प्रेयसी प्रिया राधिका को अपनी मुरली सौंप कर चले जाते हैं वो कहते हैं यह बांसुरी मैं तुम्हारे लिए बजाया करता था और अब जबकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं लौटूंगा तो ये बांसुरी मैं तुम्हें सौंपता हूँ ये जो आत्मीयता स्नेह अनुराग प्रेम और फिर प्रेम जन्य विछोह की भावना इस सब को इस कथन के माध्यम से समझा जा सकता है और इसके बाद राधा ही बांसुरी बजाती हैं कृष्ण ने सोलह वर्षीय अवस्था के बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई ऐसा वर्णन साहित्य में मिलता है तो सोलह वर्ष तक की अवस्था जो काफी हद तक बाल्य और प्रारंभिक युवा अवस्था कह सकते हैं उसके बाद कृष्ण बांसुरी से बहुत दूर हो जाते हैं शक्ति राधा के प्रति यह प्रेम भाव ही है प्रमुख कारण भी यही है कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति और साहित्य में समस्त जन राधा कृष्ण यानी राधे कृष्ण का जाप किया करते हैं कृष्ण राधे का स्मरणीय नाम नहीं जपते राधा को ही पहले राधा वल्लभ संप्रदाय भी इसी का प्रत्यक्ष गवाह है साक्षी है राधा को शक्ति के रूप में पूरे कृष्ण भक्ति लोक में देखा गया कृष्ण का ब्रह्मत्व उनका ईश्वरत्व राधा रूपी शक्ति के कारण ही स्थापित होता है यू भारतीय संस्कृति और परंपरा में शक्ति का नाम सभी जगह पहले लिया गया गौरी शंकर, सीता सीताराम लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण ये हम देख सकते हैं कृष्ण एक सन्यासी के रूप में एक अवस्था तक पहुंचने के बाद एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करते हैं वो कठोर साधक भी बन जाते हैं वही कृष्ण जो लोक रंजक होते हैं लीलाएं करते हैं क्रीड़ाएं करते हैं कभी कालिया दमन किया कभी असुरों का वध किया कंस का वध किया लेकिन एक अवस्था के बाद वो सन्यास्त होते हुए दिखाई देते हैं कृष्ण का पूरा प्रयास राजनीतिक पद्धति और आध्यात्मिक प्रक्रिया के मिलन के लिए संचालित होता दिखाई देता है यानी जीवन पर्यंत कृष्ण राजनीतिक पद्धति और आध्यात्मिक प्रक्रिया के संयोग या मिलन के निमित्त ही सभी क्रीड़ाएँ करते हैं सभी लीलाएं करते हैं उनका श्रेष्ठ ग्रंथ जिसको हम आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं वो गीता है वो इसका प्रमाण है कृष्ण के संपूर्ण जीवन चित्र को अखिल भारतीय स्तर पर हर भाषा भाषी साहित्य में भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित या लिपिबद्ध किया गया है वास्तव में कृष्ण अपने अनेक रूपों में उपस्थित होते हैं भारतीय साहित्य में कृष्ण निरूपण की परंपरा सुदीर्घ परंपरा रही है उस पर यदि हम सहज रूप से दृष्टि डालें तो विष्णु के दूसरे अवतार द्वितीय अवतार के रूप में कृष्ण को हम पाते हैं वो आशय रूप में हम उन्हें ग्रहण करते हैं और जिस भक्ति भावना का विकास हुआ था उसकी अभिव्यक्ति कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत विधिवत सविस्तार मिलती है इसलिए मध्यकाल में भारतीय भाषाओं में और हिंदी में संस्कृत में जो कविताएं लिखी गईं, चाहे वो ब्रजभाषा हो भोजपुरी हो मैथिली हो अवधि हो विद्यापति जैसा कवि मैथिल भाषा में जिसको मैथिल कोकिल कहते हैं वो कृष्ण भक्ति और राधा भक्ति का अद्भुत काव्य सृजित करते हैं पूरे भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक विकास क्रम में कृष्ण शब्द के संदर्भ में अनेक मत प्राप्त होते हैं कुछ दुराग्रही पाश्चात्य विचारकों के अनुसार कृष्ण शब्द की व्यत्पत्ति क्राइस्ट से भी करने की कोशिश की गई जो कि सार्थक भी नहीं है और अनर्गल भी प्रतीत होता है कृष्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में एक स्तोता ऋषि के रूप में किया गया है कृष्ण नाम ऋग्वेद के अष्टमंडल में एक वैदिक ऋषि का नाम था इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में एक जगह कृष्ण को विष्णापु का पिता भी कहा गया है आगे चलकर छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र के रूप में उपलब्ध होता है इस तरह उल्लेख कृष्ण का वैदिक साहित्य में भी मिलता है औपनिषदिक साहित्य में भी मिलता है और पौराणिक साहित्य में भी मिलता है किंतु कृष्ण के चरित्र का पूर्ण विकास यदि देखना है तो वो महाभारत और पुराण साहित्य में प्राप्त होता है अनेक धर्म ग्रंथ परवर्ती कृष्ण काव्य का आधार स्रोत बनकर सामने आते हैं महाभारत के प्रारंभिक अंशों में महाभारत एक महत्वपूर्ण एपिक है यानी महाकाव्य है श्री कृष्ण पांडवों के सखा और प्रभावी राजनीतिज्ञ के रूप में महाभारत के प्रारंभिक अंशों में उपस्थित होते हैं और महाभारत के अंतिम अंशों तक आते आते विष्णु के अवतार के रूप में वो चित्रित होते हैं सभा पर्व में भीष्म कृष्ण को अव्यक्त प्रकृति के सनातन कर्ता के रूप में समझते भी हैं और व्यक्त भी करते हैं परवर्ती पुराणों में हरिवंश पुराण ब्रह्म पुराण विष्णु पुराण भागवत पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि इन सब पर नजर डालें तो क्रमशः कृष्ण के बाल्यावस्था संबंधी आख्यानों में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वैदिक साहित्य जो कि संस्कृत भाषा में लिखित है उसमें भी कृष्ण उनके तीन रूपों में मिलते हैं यानी संपूर्ण चारों वेदों को देखें संपूर्ण वैदिक साहित्य में कृष्ण के तीन प्रमुख रूप उपलब्ध होते हैं ऋषि कृष्ण राजनीतिज्ञ कृष्ण और बाल कृष्ण इन तीनों ही रूपों में कृष्ण अपने आचरण अपने व्यवहार से अपनी चेष्टाओं से अपने कृत्यों से छाप छोड़ते हैं इनमें कृष्ण के धर्मोपदेशक और ऋषि रूप का पूर्ण विकास प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति और अस्मिता के ग्रंथ गीता में हुआ है दूसरे रूप में राजनीतिज्ञ कृष्ण के रूप में उनका पूरा विकास महाभारत में हुआ है तो पहला जो रूप है वो धर्मोपदेशक है जो कि गीता में मिलता है जब वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसके सारे भ्रमों का निवारण भी करते हैं जबकि राजनीतिज्ञ का रूप कृष्ण का दूसरा रूप है और उसका पूर्ण विकास हमें महाभारत और तृतीय रूप बाल कृष्ण का वो भागवत में प्राप्त होता है इसलिए यही कृष्ण रूप महाभारत में विष्णु अवतार भागवत में एकांत ब्रह्म ऐसे रूपों में भी अधिष्ठित होता दिखाई देता है इससे ये स्पष्ट है कि कृष्ण लीलाओं के साथ जोड़कर लोक रक्षक और लोक रंजक बनकर समस्त साहित्यकारों के लिए ग्राह्य रहे प्रेरक रहे कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वैदिक कालीन देवता है जिनका महाभारत काल तक क्रमिक विकास हुआ है महाभारत में कृष्ण के विविध रूपों का जिक्र मिलता है जैसे पांडवों के सखा रूप में हम जानते हैं कि पांडव कृष्ण को अपने मित्र की तरह स्वीकार करते हैं ग्रहण करते हैं अर्जुन से कृष्ण का अत्यधिक स्नेह और आत्मीयता है एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में भी उपस्थित होते हैं महाभारत के अंतर्गत कृष्ण एक सफल राजनीतिज्ञ बनकर भी आते हैं और विष्णु के अंश के रूप में कृष्ण इसी महाभारत में वर्णित है किंतु ध्यातव्य है कि महाभारत में कृष्ण जीवन का उत्तरांश ही वर्णित है जिसको उत्तरार्ध भी कह सकते हैं यानी बाद का जो अंत का जो हिस्सा है बाल लीला का वर्णन महाभारत में कहीं नहीं मिलता कृष्ण जीवन के संबंध में प्रथमतः विस्तृत और हरिवंश पुराण में ये वर्णन प्राप्त होता है जिसे महाभारत का परिशिष्ट भी कहा गया है हरिवंश पुराण इसके अंतर्गत ब्रह्म पुराण विष्णु पुराण भागवत पुराण ब्रह्म अग्नि पुराण इन सब में कृष्ण जीवन के वृत्तांत का विस्तृत वर्णन किया गया है इन सब धर्म ग्रंथों में ब्रह्म वैवर्त पुराण का योगदान महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक है क्योंकि उसमें कृष्ण को परब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया इससे पहले भी गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद में कृष्ण को परब्रह्म के रूप में वर्णित या चित्रित किया जा चुका है सार रूप में पुराण साहित्य में श्री कृष्ण के अवतार यानी अवतारी पुरुष बनकर कृष्ण उपस्थित होते हैं शकटभंजन यमलार्जुन उद्धार गोवर्धन धारण रास लीला आदि अनेक बाल और किशोर अवस्था की लीलाओं का चित्रण कृष्ण भक्ति साहित्य में गद्य पद्य में खूब मिलता है मथुरा और द्वारका के अधिपति के रूप में तो पूरा ब्रज प्रदेश उन्हें स्वीकार भी करता है इस तरह हम देख सकते हैं कि इसके साथ साथ महाभारत और पुराण साहित्य में भी कृष्ण को मथुरा और द्वारका अधिपति धर्मोपदेश तथा बाल कृष्ण के रूप में चित्रित किया गया है कह सकते हैं कि कृष्ण के, के उपयुक्त तीनों ही रूप न्यूनाधिक कम या ज्यादा मात्रा में कृष्ण काव्य के प्रेरणास्रोत रहे हैं जितना भी कृष्ण साहित्य लिखा गया उस सब का प्रेरक अगर कोई रहा तो यह इतिहास रहा कृष्ण भक्ति का कृष्ण परंपरा का मित्रों इस विषय को यहाँ विराम देते हैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे आज्ञा दीजिए नमस्कार